वाकई में विदिता ने कहा और बाकी सब लोगों ने बोला कि अब हम पर है, ये ऑडियंस पर डिपेंडेंट है कि उनको क्या देखना है। अगर इंटरनेट पे सब कुछ दिख रहा है और सब देख रहे हैं और सब गालियां सुन रहे हैं और सब न्यूड सीन देख रहे हैं या पॉर्न देख रहे हैं, तो मतलब वो देख रहे हैं ना। आप सेंसर इसलिए करना चाहते हैं कि सोसाइटी ख़राब ना हो। आपकी पिक्चर के थ्रू पर सोसाइटी पे तो इम्पैक्ट हो रहा है और सोसाइटी तो देख रही है ना, पर वो अपनी मर्जी से देख रही है। और ऐसा नहीं कि सभी देखते हैं, कुछ लोग उसको रिजेक्ट भी करते हैं, नहीं भी देखते हैं। तो ऐसे ही आप फिल्म जो है उसको आप पूरी परिपूर्ण आज़ादी दीजिए, फिल्म मेकर को आज़ादी दीजिए, उसके डर को निकालिए, वो फियरलेस रहे ताकि हमारे काम को देश विदेशों में जाना जाए। आज नहीं तो डर से अगर पिक्चर बनाएंगे तो डर से पिक्चर नहीं बन सकती। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सेंसर सर्टिफिकेशन का रूल जो है, जो बदलना चाह रहा है, जो श्याम बेनेगल कमेटी अभी बनी है और उसके अभी तक कोई मतलब उसका क्या लागू होने वाला है कुछ अब तक पता नहीं है। कुछ उड़ती उड़ती खबरें सुनने को मिलती हैं कि शायद सर्टिफिकेशन रेटिंग होगी और सेंसर बोर्ड नहीं रहेगा। वो पढ़ के खुशी मिलती है और जैसे ही खुशी मिलती है तो एक बम हम पर फूट पड़ता है भट से कि जी आज जो है बंदूकबाज को, बाबूमोशाय बंदूकबाज के इतने 48 कट्स हो गए हैं इन गालियों के लिए और प्रोड्यूसर की बेइज्जती की गई है, वहाँ पर उसके साथ बदसलूकी की गई है।